कैसे किलो दिए? 40 रुपए किलो। ये संतरे कैसे दिए? 90 रुपए माँ जी। 60 रुपए में दो ना। नहीं माँ जी। लीजिए ताज़ा ताज़ा सब्जी, आइए लीजिए, कम भाव में दे रही हूँ। आइए देख जरा उसे, देख कैसे चिल्ला रही है। ताज़ी सब्जी, आइए ताज़ी सब्जी लीजिए। शुरू कर दिया इसने, अब सबका धंधा चौपट हो जाएगा। हाँ, ए क्या बड़बड़ा रहा है, ये फेंक कर मारूंगी ना तो तेरा थोपड़ा बिगड़ जाएगा, संभल कर बात कर। आइए ताज़ी सब्जी लीजिए, आइए 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 माँ जी। ये कैसे दिए? ये 50 का है। 50 का है? अरे 50 सुनते ही आपका चेहरा क्यों उतर गया माँ जी? हार्ट अटैक से कहीं अब ऊपर ना पहुँच जाओ। तू 50 रुपए के लिए मरने को कह रही है? बढ़िया ही सब्जी बेचने, तू अपनी सब्जी अपने पास ही रख ले। हाँ हाँ जाइए माँ जी, आई बड़ी खरीदने वाली, आइए ताज़ी सब्जी लीजिए, आइए आइए। बाबा कम भाव की सब्जी है, आइए ताज़ी सब्जी लीजिए। टमाटर कितने रुपए किलो है बेटा? अरे बाप रे, अगर ज्यादा भाव बोल दिया तो ये भी चली जाएगी। माँ जी ये 30 रुपए का है। इतना महंगा? अरे वो तो इसे सस्ते में दे रहा है। ऐसा है तो वहाँ से जाकर ले लीजिए ना, बढ़िया ही खरीदने वाली। लूटने के लिए बैठी है क्या? जाइए जाइए वहीं से खरीद लीजिए, जाइए। यहाँ तुम अकेली नहीं हो, सब्जी वाली और भी है। हाँ तो जाइए ना वहीं से खरीद लीजिए, सब सड़ा हुआ माल मिलेगा, देख लीजिए आप। पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, सब सड़े हुए ग्राहक ही मिल रहे हैं, आज तो बोनी भी नहीं हुई। आइए आइए ताज़ी सब्जी लीजिए, आइए कम भाव में दे रही हूँ। सर फोन कौन है? हेलो, मैं होम मिनिस्टर संजय नायडू बोल रहा हूँ। क्या हुआ? तूने कहा था वो 10 एकड़ जमीन रजिस्ट्री करवा के दूंगा, अब क्यों देरी हो रही है? ज्यादा नाटक कर रहा है? अब तू संभल कर रहना, मैं अपने पॉलिटिकल पावर से तेरे पूरे बिजनेस को बर्बाद करके रख दूंगा, याद रखना। नो सर, ऐसा मत कीजिए, 2 दिन का टाइम दीजिए, पूरा पैसा वापस कर दूंगा। सर वो मिल्क फैक्ट्री वाले जो हमें शेयर देते हैं वो अब तक हमें नहीं दिए गए हैं। उसे ज्यादा चर्बी चढ़ गई है, लास्ट वार्निंग दे दे, और अगर फिर भी ना सुने तो उसकी कहानी मुझ तक पहुँचने से पहले उसे खत्म कर दे, बाकी मैं सब कुछ देख लूंगा। ठीक है सर। अभी मैं CM से मिलने जा रहा हूँ। आइए सर। माँ जी, माँ जी, कहाँ हो मेरी प्यारी माँ जी? माँ जी, ओ माँ जी, क्यों इतना चिल्ला रही हो? आप यहाँ हो क्या? कहाँ है मेरा होने वाला पति? उसे देखकर 2 दिन हो गए हैं। अच्छा वो किसान बाजार के कागजात बनवाने के लिए घूम रहा है, कब आता है कब जाता है मुझे ही नहीं पता, तो तुझे कैसे बताऊं? हाँ ऐसा क्या, सच में? हाँ सच में। क्या बात है, इतनी मटक मटक कर बातें कर रही है? इस तरह से नहीं मटकूंगी ना तो किसी और को बीवी बनाकर घर ले आएगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरा क्या होगा, मैं तो कुवारी रह जाऊंगी। मेरा बेटा बहुत अच्छा लड़का है, एकदम खरा सोना है। तुम तो हमेशा ऐसे ही कहती हो, मुझे तो यही डर रहता है वो घर पे किसी और को न ले आए, मेरी तो जिंदगी उजड़ जाएगी और कुछ करने के लिए बहुत देर हो जाएगी माँ जी। हाँ हंसती रहो, मैं चलती हूँ, अपने बेटे को कहना मैं आई थी। क्यों बेटी, कहाँ तक पहुँची तेरे प्यार की गाड़ी? बॉस है बॉस है बॉस, कुछ गलत होगा तो ले लेगा क्लास। वैसे भी 2 दिलों को मिलना ही होता है, फिर तेरी ये स्पीड किसी काम की नहीं होगी। अगर गाड़ी ज्यादा तेज चलाओगी तो ब्रेक फेल हो जाएगी। तुम लोग क्या सिर्फ ताना मारती रहोगी? तुम लोगों की वजह से ही मेरी प्यार की गाड़ी को नजर लग गई है, वरना अब तक तो शादी हो गई होती, 2 बच्चों की माँ होती। तुम सबकी पनौती लग गई है इसलिए ऐसा हो रहा है। इस लड़की का क्या होगा पता नहीं। लगता है इसे गुस्सा आ गया।
बे, उस मार्केट को अपना बनाने का कब से सपना देख रहा हूँ, वो सपना कब पूरा होगा मेरा? सर आपका तो सिटी में बहुत सारा बंगला है ना, फिर मार्केट लेके क्या करेंगे सर? अबे फूल, वो मेरी सपनों की रानी, मेरे दिल की धड़कन ने मांगा है उसे। क्यों सर, भाजी की दुकान डालेंगे क्या? वहाँ मेरी डार्लिंग के लिए उस मार्केट को तोड़कर हम दोनों के लिए पैलेस बनाकर और वहीं पर स्विमिंग पूल भी बनाएंगे और फिर हम दोनों स्विमिंग करने के लिए टिप-टिप बारिश में, ऐसा गाना गाएंगे क्या सर? अभी समझ गया तू? तो इसके लिए क्या प्लान बना रहा है? अपने पहचान का बाहुबली का गैंग है, वो जहाँ पैर रखता है वो जगह उसके कब्जे में हो जाता है। उसे मार्केट पर भेजकर बीच पर जो भी आए उसको मरवाकर मार्केट अपने कब्जे में ले लेंगे। वेरी गुड, इसमें हमारा सीएम भी शामिल है, जरा संभल कर, अपने लोग वहां नजर नहीं आने चाहिए। ओके सर। क्यों रे, मुझे पता चला सीएम मेरे से बहुत नाराज है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बारे में बहुत लोगों ने शिकायत की है। अब समय आ गया है कुछ करने का। अभी जो इलेक्शन होने वाला है उसके लिए सारे एमएलए को अपनी तरफ करो, उस सीएम को कुर्सी से हटाना है और मुझे उस कुर्सी पर बैठना है। इस वक्त का मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। अरे बेटा, मुझे मेरी पोती को देखने का मन कर रहा है, सपनों में भी आई, बहुत फिक्र हो रही है, फोन लगाओ ना बेटा उसे। सर सर हा? अमेरिका से बेटी का फोन है। क्या कहा? अरे वाह, मेरे दिल के टुकड़े ने फोन किया है। हेलो हेलो, मेरी सोना कैसी हो मेरी बच्ची? हाय डैडी, हाउ आर यू? ओके ओके बेटी, मैं तो हैप्पी हूँ सोना। ये बताओ तुम्हारी डॉक्टरी की पढ़ाई कैसी चल रही है? डैडी मेरी प्रैक्टिस कुछ ही दिनों में कंप्लीट हो जाएगी, इंडिया आते ही एक अच्छे से प्लेस में हॉस्पिटल बनवाना है और लोगों की सेवा करनी है। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटी, तुम इंडिया में जो जगह पसंद करोगी उसी जगह पर मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा हॉस्पिटल बनवा दूंगा। थैंक यू डैडी। ओके मेरी सोना, लो अपनी मम्मी से बात करो। हाय मम्मी। हेलो मेरी सोना, कैसी है तू? आई एम फाइन। जल्दी इंडिया आ जा, तुझे देखने का बड़ा मन है। जल्दी आऊंगी। हाँ ठीक है ठीक है, ये लो मौसी से बात करो। हेलो मौसी, कैसी हो, ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ये बताओ इंडिया कब आ रहे हो? हाँ जल्दी आऊंगी। ये लो दादी से बात करो। हे दादी माँ। हेलो मेरी प्यारी बेटी, कैसी है तू? कल रात तुझे सपने में देखा, तुझे देखने का मन कर रहा है, तू इंडिया कब आ रही है बेटी? जल्दी आऊंगी दादी। ये ले चिंटू से बात कर। हेलो दीदी। हाय चिंटू, आप कब आ रही हो दीदी? हाँ, देखा तुमने चिंटू कितना खुश है। बाय बेटा। बाय। ओके मेरी नन्ही गुड़िया, बाय। ओके बेटा, जल्दी आ जा। बाय। प्लास्टिक की थैली नहीं दे सकती। हाँ। अपने थैली में ले जाइए। हाँ ठीक, आप भी थैली में रख दीजिए माँ जी। वो बहुत महंगा है माँ जी, आप ये ले लीजिए। हाँ। ताजा भी है, ये लीजिए माँ जी। हाँ हाँ ठीक है बेटा, ये रख दीजिए। हाँ आपको क्या चाहिए? मुझे भी एक किलो दे दो। ये लीजिए माँ जी। हाँ। ये बहुत अच्छा है, क्या रेट है इसका? चलो चलो अब चलते है। क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रही हो? बोल नहीं पाती हो या मौन व्रत रखा है? तुम्हें से पूछ रहा हूँ इसका रेट क्या है। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। हे किससे बात कर रही हो, जानती नहीं हो क्या? हाँ जानती हूँ, एक खाकी ड्रेस में एक ठरकी से। बहुत उछल रही हो क्या, बकवास है ये। तुझे देखकर ना मेरा ही नहीं सबका दिमाग सटक जाता है। तू इस मार्केट में सबसे खूबसूरत है ना? इसी मार्केट में सबके सामने तेरी जवानी का रस पीऊंगा। चल चल आजा, छोड़ो। अरे क्या परेशान कर रहे हो? हटो। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ मुझे। अरे क्या सामना कर रहे हो? छोड़ो मुझे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। चल भी, ऊंचा बोलोगे तो मार डालूंगा। वहाँ देखिए वो लोग वीडियो बना रहे हैं आपका। इज्जत के साथ इसे छोड़ दो वरना तुम्हारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। हाँ?
कहीं का। हवा निकल गई इसकी। ए, तुम लोग क्या कर रहे हो? शूटिंग चालू है क्या? यहाँ कोई सिनेमा नहीं चल रहा है। ए, बंद करो, चलो निकलो। सेलफोन आने के बाद मौका ही नहीं मिल रहा है। अच्छे से डराया तो डर गया। संभल कर बेटी। हाँ गुंडा मवाली। अबे बेवकूफों, मेरी डार्लिंग को देने वाली जगह का क्या हुआ? फूल, मुझे खेल में उतरना होगा क्या? डार्लिंग, आप गुस्सा मत कीजिए सर, ऐसी छोटी सी बात के लिए आप क्यों? उसके लिए वक्त और मौके की जरूरत पड़ती है। बस दो दिन का टाइम दीजिए। कल उस बाहुबली गैंग से बात करके उससे कहता हूँ कि वो मार्केट में जाए और वहाँ के लोगों का काम तमाम कर देंगे। वेरी गुड डार्लिंग। और दो दिन मुझे वहाँ स्विमिंग पूल में स्विमिंग करनी है। डोंट वरी माई बेबी, यू डोंट फील बैड। सिर्फ दो ही दिन ना, विनायक चतुर्थी के दिन हम लोग वहाँ जश्न मनाएंगे। तुम बहुत किस्मत वाली हो, फ्री में मिलेगा तो क्या सारा गांव मांग लोगी? एक मोटा काला गेंडा और दूसरी ये पागल भैंस, इन दोनों की जोड़ी बराबर है। दोनों ही पागल है। चारू, मेरे सपनों की रानी, उसे मैं भूल ही नहीं पा रहा हूं। सावंत सर, वो चारू मेरे सपनों की रानी बन चुकी है, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूं यार। आंखें बंद करके देखता हूं तो वही दिखती है। कैसे भी करके उसे अपना बनाना है। सर, उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। क्या बात है सावंत, बोलो, मुझसे रहा नहीं जा रहा, बोलो। वशीकरण मंत्र है सर, अगर आप वो सीख गए तो चारू को, वही आपके सपनों की रानी को। वेरी गुड, आपके वश में हो जाएगी। अच्छा बताओ वो कहाँ मिलता है? वो कहीं मिलता नहीं है, सिद्ध करना पड़ता है। अमावस्या के दिन आधी रात को पूरा नंगा होकर शमशान में जाएंगे तो वहाँ घोड़ी जैसा एक भयंकर तांत्रिक चलती हुई लाश के पास बैठकर मंत्र पढ़ता हुआ मिलेगा। वहां जाएंगे तो तांत्रिक आपको आधी जली हुई लाश पर बिठाकर मंत्र सिखाएगा। अगर वो मंत्र आप सीख गए तो वो सपनों की रानी आपकी हो जाएगी। सर सर, अच्छा है आप वहीं पे कर लें ये सब। मुझे डरा रहे हो क्या? कैसे होगा यार, मुझे तो सुनकर ही डर लग रहा है। सर, पुलिस वाले को डरना नहीं चाहिए, डरने वाले पुलिस में नहीं हो सकते। मैं उस टाइप का नहीं हूँ। सर, फिर आपकी सपनों की रानी? दूसरा रास्ता देखूंगा, चलो जाओ जाओ। जो जहां है वही खड़ा रहे। कोई भी यहां से भागने की कोशिश नहीं करेगा, भागा तो जान से जाएगा। देखा। कौन है बे? जो मास का बॉस है, अपने को इस मार्केट का हीरो समझता है? सुना बहुत हिम्मत वाला है। अगर हिम्मत है उसमें तो आए हमारे सामने। ए,
सब लोग ध्यान से सुनो, अपना अपना सामान उठाओ और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, तो ही तुम्हारी जान बच पाएगी, नहीं तो तुम लोगों की बलि ये बाहुबली गैंग लेगी और इसी मार्केट में तुम्हें गाड़ देगी, समझ गए? आया ना समझ में? ए गुंडे लोग, तू क्या समझता हम लोग डर जाएंगे? तेरी बातों से डरकर भागने वाले नहीं हैं, हम लोग गणेश गैंग से हैं। चल हट, तू और गणेश गैंग। कौन है भाई यहाँ गणेश? चेहरे पे मुझ रखने वाला, कमर में काला धागा बांधने वाला कोई है तो मेरे सामने आओ। गणेश को क्यों ढूंढ रहे हो? मैं आई हूँ ना, क्या कर लोगे बताओ? इज्जत से पेश आओगे तो भगवान की तरह इज्जत दूंगा, अगर अत्याचार करोगे तो जमीन में गाड़ दूंगा। दैट इज गणेश। Moria, 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 Mo
भैया भैया, आप मुझे इतने दिनों तक देखने क्यों नहीं आए? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। हाँ साले साहब, हर रोज आपसे मिलना है कह के मेरा दिमाग खाती है, इसलिए इसको लेकर आया हूँ। मैं थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं आ पाया, नहीं तो मैं खुद आके तुझे पूरा गांव घुमाता और तुझे खुश रखता, ठीक है ना? चलो अच्छा हुआ तुम आ गई, आज त्योहार भी है, साथ मिलके मनाएंगे। ओके भैया। अरे वो देखो मेरी सोना आ गई। अच्छा रहा। डैडी आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ बेटी। ए दादी माँ, आप कैसी हैं? अरे मेरे डॉक्टर बेटी, तुम्हारा अमेरिका कैसा है ये बता, यह नया हॉस्पिटल कब बनवा रही दादी है? दादी माँ, मुझे अंदर जाने दोगी या फिर यही सवाल पूछ पूछ के मार डालोगी? नजर न लग जाए। जाओ बेटी, तुम जाकर आराम करो, मैं सीएम से मिलकर आता हूँ। इसे अंदर लेकर जाओ। बाय डैडी। बाय बच्चा। चल बेटा चल। सुनिए, यहाँ अकेले में क्या कर रहे हो? क्या बात है, सुनिए सुनिए, बोलती हुई मटकती हुई आ रही हो हैं? वो क्या है ना जी, मैं ए, क्या है बकरियों की तरह मैं करके मुझे परेशान किया जा रही है, और कोई काम नहीं है क्या? सुनिए मैं ना तुमसे प्यार करती हूँ। क्या बोली, प्यार करती है? अच्छा जरा अपना चेहरा इस तरफ दिखाओ तो। तेरी तो बोल रही है प्यार करती है। सुनो, मुझसे भी कोई अच्छा सा लड़का ढूंढो और उससे प्यार करो, मैं खुद तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। तुमसे अच्छा लड़का मुझे कहाँ मिलेगा बताओ? क्यों, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, वैसे भी भगवान ऊपर से सबकी जोड़ी बना के ही नीचे भेजते हैं। वो बात नहीं है जी, मेरे प्यार को समझो। चल जा, देखिए ना कैसे बात करता है। क्यों रे बेटा, ऐसा क्यों करता है तू? अच्छा आप लोग भी शुरू हो गए इसके साथ हा? और इसके पक्ष में बोलने भी लगे, मिली भगत है क्या? यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग मेरी शादी इसके साथ करवा के ही मानेंगे। चलो भाई जल्दी निकल लो। अच्छा माँ जी, कलेक्टर ऑफिस जा रहा हूँ। सावंत, चारू चारू चारू, ये कैसा हाल हो गया मेरा? मार्केट में जब से चारू को देखा, वो मेरे सपनों की रानी बन गई। एक बार भी वो मेरे बारे में सोचती होगी क्या? समझ में नहीं आ रहा है कि उसे कैसे मैं अपना बनाऊं। तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही डरा रहे हो, अमावस्या, आधी रात, अघोरी, शमशान बोलकर बहुत डरा रहे हो तुम लोग। मुझे भूत से बहुत डर लगता है यार। लेकिन तुम मेरी हालत समझ नहीं रहे हो। एक तो इस उम्र में जवान लड़की के प्यार में पड़ गया। सिनेमा में कितना आसान होता है ना, हीरो हीरोइन रोमांस करते हैं, मैं भी चारू के साथ रोमांस करना चाहता हूं। कैसे होगा, कोई अच्छा आइडिया तो दो। सिंपल सर, कुछ दिनों के लिए आप कबीर सिंह बन जाइए। सर वो सपनों की रानी को गणेश अपने जाल में फंसा लेगा, नहीं तो वो लड़की ही उसे अपने जाल में फंसा लेगी। सच में सर, परसों मार्केट में जो फाइट हुई ना, उससे गणेश का क्रेज बढ़ गया है। आपके सपनों की रानी भी उस गणेश को अपने सपनों का राजकुमार बना रही है। ए, उसने अभी तक मुझे बाहर से देखा है, मेरे अंदर के असली रूप को नहीं। बहुत जल्दी मैं उसका काम तमाम करूंगा।
हमें कैसा पागल ऐसा ही मिला है। क्या रे किशन, विनायक चतुर्थी के दिन वो मार्केट अपना होगा। हमने सोचा था कि जश्न मनाएंगे, लेकिन विनायक चतुर्थी तो उन लोगों ने मनाया। तुम लोगों ने कहा था त्योहार से पहले उन लोगों की बलि चढ़ाओगे, लेकिन उस गणेश ने तो गणेश के सामने ही सबको धो डाला। ऐसी बेइज्जती हुई डार्लिंग के सामने मेरी की इज्जत उतर गई बे। तेरे जीने का क्या फायदा, तुझे मरना होगा। सर सर रुकिए, गुस्सा मत कीजिए। इस बार दूसरा प्लान है मेरे पास। गणेश की वीकनेस का फायदा उठाकर वो मार्केट अपने कब्जे में कर लेंगे। लास्ट चांस। खाओ बेटे। बेटी नमिता, तेरी शादी करवा देंगे तभी मेरे मन को शांति मिलेगी बेटा। हाँ बेटी। सॉरी डैडी, मैंने डॉक्टर की पढ़ाई इसलिए नहीं की ताकि अपने पति के घर जाकर खाना बनाऊं। आप जानते हैं ना, मैं चाहती हूँ मैं गरीबों की सेवा करूं, तभी मेरी डॉक्टर की पढ़ाई सफल होगी। लेकिन आपने मुझसे वादा किया है एक अच्छे जगह पर हॉस्पिटल बनवा के देंगे। वो सारी बातें छोड़कर आप शादी वादी की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम जिस जगह पर बोलोगी मैं तुम्हारे लिए उसी जगह पर हॉस्पिटल बनवा दूंगा। तब तो तुम शादी करोगी ना। ओके डैडी, डन। तो इस शहर में तुम अपने लिए कोई अच्छी सी जगह पसंद कर लो, फिर उसी जगह पर तुम्हारा हॉस्पिटल बन जाएगा। हाँ बेटा। थैंक यू डैडी, मेरे प्यारे डैडी। ये लो माजी, आपके दो पूरे पैसे हुए ना। हाँ, हाँ एकदम सही है। हाँ आइए आइए, ताजी ताजी सब्जी लीजिए, कम भाव में दे रही हूँ। दीदी देखो, वो देखो। वाह, मुझे बिल्कुल अच्छी और सही जगह मिल गई है। हाँ दीदी, अब यहाँ पर हॉस्पिटल बनवा के उसके बगल में सिटी स्कैन डालूंगी। ये देखने में कितना अच्छा लगेगा ना। हाँ दीदी, आपने जैसे सोचा था ये वैसा ही प्लेस है। ओके, ये मैम क्या बड़बड़ा रही है, देखो क्या बड़ा। ये तो बढ़िया जगह है। हाँ, बढ़िया जगह है। हाँ हाँ यही है। कह रही है कि यहाँ पे हॉस्पिटल बनवाना चाहती है, सुना आपने? फिर हम कहाँ बैठेंगे? ए चलना यार, जल्दी जाकर डैडी को बताते हैं, वो जल्दी से हॉस्पिटल का काम शुरू करवा देंगे। कम ऑन। हाँ? वो मिनिस्टर की बेटी थी। वो क्यों आई थी यहाँ? कह रही थी कि हॉस्पिटल बनवाना चाहती है। ऐसा? और वो हॉस्पिटल यहीं पर बनवाना चाहती है। गणेश भाई आने के बाद उन्हें सब बता देंगे, वो सब संभाल लेंगे हम। हाँ जरूर बताएंगे। ठीक है। कहेंगे उनको। ठीक है बुआ, जैसे ही वो आएगा उसे बता देंगे। बिल्कुल, वो मिनिस्टर की बेटी थी, सब कह रहे हैं जगह देखने आई है। अरे वो सब कुछ मैं संभाल लूंगा मेरी सोना। डैडी डैडी एक गुड न्यूज है, सुपर प्लेस, एक्सेलेंट एरिया, वो मार्केट की जगह बहुत अच्छी है। आप मेरा हॉस्पिटल वहीं बनवा दीजिए ना डैडी। ओके सोना, तुम्हारा काम हो जाएगा बेटा। अब मेरे काम करने का तरीका देखो। ओ मिस्टर साहब हैं क्या? हाँ हैं। गेट खोलो, उनसे बात करनी है। पहले आप बताओ आप कौन हो। क्या कहा? हम कौन है जानते नहीं हो? मार्केट से आए हैं। गेट मत खोलो। गेट खोलो सर, कुछ लेबर लोग आए हैं। अरे भाई तो भेजो उन्हें अंदर। ठीक है सर।
मिस्टर साहब। नमस्ते, क्या बात है? तुम लोग ऐसे क्यों चले आ रहे हो जैसे कहीं आग लग गई है? अभी तक तो आग नहीं लगी है। आपने कहा था ना कि हमारे मार्केट के विषय में सीएम साहब से बात करेंगे, उसी के बारे में जानने के लिए हम लोग आए हैं। अच्छा, तो उस मार्केट की बात कर रहे हो? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे अपने पैसों से खरीद कर तुमने उस मार्केट को खड़ा किया है। वो मार्केट हमारा नहीं है सर, लेकिन किसी के बाप का भी नहीं है। वो सरकारी जमीन है और सरकार ने ही गरीबों को दिया है। वो किसी से जबरदस्ती छीनी हुई जमीन नहीं है और ना ही किसी के घर को तोड़कर बेसहारा गरीब और मजदूर लोगों को और कमजोर लोगों को धमका के कब्जा किया हुआ जमीन नहीं है वो। हाँ, मतलब तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि कमजोरों, गरीबों और बेसहारा लोगों को धमकी देकर उनकी जमीन मैंने हड़प कर ली है। वो मुझे कैसे पता, वो तो भगवान और सिर्फ आप ही जानते हैं। इस तरफ बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हो रही है? उस मार्केट की कागजात तुझे ले जाकर सीएम के पास छोड़नी चाहिए। मेरे पास क्या करने आया है तू? आपको याद नहीं है पिछले चुनाव में आप खुद आए थे हमारे मार्केट में, बोला था कि सरकार की तरफ से आप लोगों को अधिकार दिलवाऊंगा, आप हमें वोट देके जितवा दीजिए, यही बोल के वोट की भीख मांगी थी ना, इसीलिए आपके पास आया हूँ। नहीं तो उस सीएम के पास ही जाते। चलो बे। अच्छा, ओहो, तो तुम अपने आप को पब्लिक का बॉस समझ रहे हो? सर, किसी से भी पंगा लो चलेगा, लेकिन मांस से मत लेना। किसी को भी मारने के लिए मांस आ गया है, चैलेंज के लिए भी मांस आ गया है। पल में बर्बाद करते वो होता है मांस, सरकार को गिराने वाला भी मांस होता है और सरकार को बनाने वाला भी मांस होता है। इस मांस से कभी पंगा मत लेना वरना हो जाओगे खलास। सर, एक और बात, अगर मार्केट पे किसी ने भी बुरी नजर डाली तो समझ लो चाहे वो छोटा बड़ा बूढ़ा जवान कोई क्यों ना हो, मां कसम वहीं पे काट डालूंगा उसे। नमस्ते सर, चलता हूँ। पक्का सर, हम ये हैं। आपके सपनों की रानी गणेश के साथ यहाँ वहाँ भटक रही है सर, उन दोनों का घर आजू बाजू में नहीं है फिर भी दोनों आसपास रहते हैं। ए, एक तो मुझे मेरी सपनों की रानी नहीं मिल रही है, वैसे ही दुखी हूँ, और बीच में ये तुम्हारा क्या लफड़ा है? सर, हम आपका भला चाहते हैं इसलिए कह रहे हैं, लेकिन आपका दिल दुखाने के लिए नहीं सर। ए, एक ना एक दिन उस गणेश को सबक सिखाने का मौका जरूर मिलेगा, तब मैं अपने सपनों की रानी का हीरो बनूंगा। तब तक मैं थोड़ा शांत रहता हूं। हेलो सर। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए सर। तुरंत गेस्ट हाउस में आ जाओ। ठीक है सर, बस आया सर। होम मिनिस्टर का फोन था, अर्जेंटली घर बुलाए हैं। चलो। ये क्या है डैडी, एक मामूली मजदूर ऐसा बोल के चला गया और आप चुपचाप बैठे रहे। आपके जगह मैं होती तो मैं उसे कब का शूट कर देती। वेरी शेम डैडी। सुन बेटी, तू अभी जवान है, तेरा गुस्सा होना स्वाभाविक है, लेकिन हम पॉलिटिशियन को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। कब किस समय क्या करना चाहिए वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने एसआई को बुलाया है, वो आता ही होगा। अब जो कुछ भी करना है देखना मैं उससे कैसे करवाता हूँ। अरे वाह, आ गए, किसी काम के नहीं हो तुम।
आज तक उसका कुछ नहीं उखाड़ पाए, अब मैं दिखाऊंगा अपनी ताकत। सर, उसके साथ जनता है, वो अपने आप से भी ज्यादा उनके बारे में सोचता है। जनता की सेवा ही उसका लक्ष्य है। उसके पास सिर्फ एक ही लक्ष्य है, लेकिन मेरे पास उससे भी बड़े बड़े लक्ष्य हैं और बड़े नेताओं का सहारा भी है। उसके पास ताकत है सर। उसने तो अपनी ताकत दिखा दी, अब मैं अपनी ताकत के साथ अपना असली रूप दिखाऊंगा। हमारे आदमियों को अपने साथ लेकर जाओ, वो लोग सब कुछ संभाल लेंगे, उसकी ताकत भी और घमंड भी। अब चल निकल। यस सर। जल्दी जल्दी मार्केट खाली करो, अब दुकान नहीं लगेगी यहाँ पे। चलो जल्दी निकलो, सबके सब अपना अपना सामान उठाओ और निकल लो यहाँ से। यहाँ आज के बाद किसान बाजार नहीं लगेगा, साथ ही साथ तुम लोग भी यहाँ नहीं रहोगे। ये सरकार यहाँ क्यों नहीं रुक सकते, यहाँ दुकान क्यों नहीं लगा सकते? ए, कौन है जो मुझे उल्टा जवाब दे रहा है? ओ चारू, मेरे सपनों की रानी, क्या कैसी हो? थप्पड़ मारा ऑन ड्यूटी एसआई को, इतने लोगों के सामने मारा। देख, इन सब के बीच में तूने मेरी इज्जत उतारी है, सबके सामने ही तेरी भी इज्जत उतारूंगा। जाने दो साहब, देखता हूं कौन बचाने आता है। अगर किसी की इज्जत पे हाथ डाला तो तुझे और तेरे साथियों को यहीं पे काट डालूंगा और जिसने भेजा उसके पास पार्सल कर दूंगा। मेरा मास पावर क्या है वो दिखाता हूं तुझे। हाथ डालो इसे।
लड़की की इज्जत के साथ खेलने वाला खाकी हो या गुंडा हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे खाकी वाला गुंडा हो, ये ही सजा मिलेगी। ये पुलिस के वेश में गुंडा है सब पता है, और ये भी पता है कि ये तेरा आदमी है। हिम्मत है तो आ, तुझे भी बताता हूँ। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगर किसी ने भी मांस से पंगा लिया तो यही हाल होगा, और मुझसे पंगा लिया तो भी यही हाल होगा, याद रखना। देख लूंगा मैं तुझे। ठीक है, देख लेना, तेरी कहानी का भी अंजाम यही होगा। अब मैं दिखाऊंगा तुझे अपनी ताकत। सर, 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 होम मिनिस्टर साहब आ रहे सर। हाँ, वो देखिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। क्यों रे, तेरी सारी चर्बी निकाल दी उसने, अच्छी तरह तेरी पुंगी बजा दी क्या? तुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसने तेरी बोटी बोटी करके कीमा बना दिया हो। क्या सर, मरे हुए सांप को और मार रहे हो? अगर मर जाएगा तो एक पनौती कम हो जाएगी, डरपोक कहने का। अरे ओ एसआई, मैंने तुझसे क्या कहा था और तूने क्या किया? वो कहावत है ना, खाने को खाना नहीं लेकिन रात में सोने के लिए बिस्तर पर एक औरत जरूर चाहिए। तेरी आधी उम्र निकल चुकी है, अब तक तुझे शादी के लिए कोई लड़की तक नहीं मिल पाई, तो क्या तुझे प्रेमिका चाहिए? अगर मैं तेरे बारे में पहले से जानता तो मैं तुझे कोई भी काम कभी नहीं सौंपता। माफ कर दीजिए सर। जी बकवास बंद कर। तेरे ऊपर भरोसा करके मैंने अपनी इज्जत उतरवा ली, तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसीलिए अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मीने को कुछ भी करके अब रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि धीरे धीरे अब वो बहुत उड़ने लगा है। अगर हमने उसे अभी खत्म नहीं किया तो वो मेरी ही बैंड बजा देगा। कल ही उसे खत्म करने का इंतजाम करो। डैडी, शुभारंभ बोलकर मुझे मार्केट लेकर गया और मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। बड़ा शेर बन के गए थे, बिल्ली बन के वापस आ गए। वेरी बैड डैडी। अब उस मार्केट में कोई भी दुकान नहीं लगनी चाहिए, जो लगाए उसे खत्म कर दो। सब कुछ
किसने किया ये सब कुछ? वो होम मिनिस्टर के गुंडे लोग आए थे, हम सबको बहुत मारा क्योंकि हम लोग ने ये जगह खाली नहीं की। आप लोग परेशान मत होइए, मैं जाता हूँ, उसका अंत करता हूँ। आप लोग घबराइए मत, मैं उसे संभालूंगा। यहाँ हॉस्पिटल, यहाँ स्कैनिंग सेंटर, यहाँ लैब टेक्नीशियंस रहेगा, सब कुछ हो जाएगा सर। ये सब प्लान तुम मेरी बेटी के हिसाब से करो और फिर सब कुछ तैयार करके मुझे जल्द से जल्द दो। कल ही वहाँ भूमि पूजन करना है। हिम्मत कैसे हुई? गरीबों के साथ अन्याय करने वाला चाहे कोई भी हो, चाहे वो किसी भी पद पे बैठा हो, चाहे कहीं भी रहता हो, चाहे धरती के किसी भी कोने पे छुप के बैठ गया हो, मैं वहां आऊंगा। इतनी हिम्मत है तेरे अंदर? मेरी हिम्मत ही पावर है, मास पावर। इस मास से अगर पंगा लेगा तो चाहे कोई भी हो, उसे मैं मिटा के दम लूंगा। ये यहाँ से बच के ना जाने पाए। से पंगा नहीं लेता, लेकिन अगर कोई मुझसे पंगा लिया ना तो उसे छोड़ता भी नहीं हूं। तूने अपने परिवार के लिए ना जाने कितने परिवारों की जिंदगी बर्बाद कर दी,
अब मैं उन सब का न्याय करूंगा और तेरी इकलौती बेटी है ना उसकी जिंदगी बर्बाद करूंगा। चल चल मेरे साथ। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची को साथ ले जाओ। कोई रोको उसे। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, बेटा छोड़ो। रुक जा नहीं तो गोली मार दूंगा। मेरी बेटी का हाथ छोड़। लाशों के ऊपर कुर्सी डालकर पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा है तुम्हारा बाप। तुम खुद एक औरत हो, इस नाते इन्हें समझने की कोशिश करो। इन गरीब लोगों को तुम्हारा बाप बेघर करना चाहता है। वो अपनी पावर से इस बाजार को, जो इनके जिंदगी जीने का जरिया है, इनके पेटों पे लात मार के हॉस्पिटल बनाना चाहता है। इन लोगों को तुम्हारे बाप के गुंडों ने बहुत मारा है। तुम्हारे लिए हॉस्पिटल बनाने के चक्कर में गरीबों के पेट पे लात मार रहा है तुम्हारा बाप। छे। एक डॉक्टर का काम होता है लोगों की जान बचाना, ना कि लोगों की जान लेकर उसके ऊपर अपना हॉस्पिटल बना लेना। अगर तुम्हें यह सब ठीक लगता है तो तुम इन लाशों के ऊपर हॉस्पिटल नहीं, शमशान घाट बनवा लो। वैसे भी हॉस्पिटल बनवाने के लिए ये तुम्हारे बाप की जगह है क्या? ये सरकारी जगह है। ये जगह कुछ साल पहले सरकार ने हमें जीविका चलाने के लिए दिया है, किसान बाजार बनाने के लिए दिया है। हम सब की जिंदगी इसी बाजार पे निर्भर है और इन सब का मैं लीडर हूँ। तुम्हारा बाप उतना अच्छा आदमी नहीं जितना तुम सोचती हो। देखो ना, तुम्हारे बाप ने कितना घटिया काम किया है और इसके बाद वो क्या करने वाला है ये तुम्हें भी नहीं पता। वो जो भी करेगा खुद सामने आ जाएगा, तब तुम्हें पता चलेगा। सुनो, मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ इसलिए लाया ताकि तुम अपनी आंखों से देख लो। तुम्हारे साथ कुछ गलत करने का मेरा मकसद नहीं है। चलो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। गणेश, गणेश मुझे माफ कर दो। आप सब भी मुझे प्लीज माफ कर दीजिए ना। मैं सारी सच्चाई जाने बिना यहाँ हॉस्पिटल बनाने का सोच रही थी। लोगों का मुफ्त में इलाज करने का सोचा था मैंने। अब लेकिन ये सच्चाई जानने के बाद मेरी वजह से जिनको भी तकलीफ पहुंची है, मैं उन सबका इलाज करने के लिए यहीं पर रहूंगी। तुम्हारे विचार इतने अच्छे हैं, जान के खुशी हुई। अगर तुम इन लोगों की सेवा करना चाहती हो तो रोज अपने घर से आकर इनकी सेवा कर सकती हो। लेकिन तुम एक जवान लड़की हो, किसी दूसरे के घर में रहोगी तो तुम्हें, तुम्हारे परिवार को और मुझे ये समाज क्या कहेगा? चलो अभी चलते हैं। नो, मैं नहीं आऊंगी। अगर आप नहीं माने तो मैं इन सबको मना लूंगी। सुनिए, आप सबका इलाज करने के लिए मैं यही रहना चाहती हूँ। जो गलती मैंने की है वो मैं खुद ही सुधारूंगी। अब आपकी क्या राय है? प्लीज मुझे एक मौका दीजिए।
यही बात आप गणेश से कहिए। हाँ ठीक है गणेश, उसके वजह से चाहे कितनी भी दिक्कत आए हम सब साथ हैं। तुमने देखा ना सावंत, हमें किस तरह इस्तेमाल करने की सोच रहा था ये अपना होम मिनिस्टर। उसका सारा काम हम लोगों से निकल गया ना, अब क्या हुआ, उसका सारा प्लान फेल हो गया। जी सर, हमें जो घाव लगा है ना वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे जो दिल में तीर लगा है वो सहन नहीं कर पाएगा। उसने जो पाप किया है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो, आगे क्या होता है देखते हैं। नमस्ते सर। मुझे पता चला, गणेश ने बताया अभी भी मौका है, अपने पद का गलत फायदा मत उठाओ, लोगों के साथ गलत मत करो। अब तक तुमने जो किया उसके बदले तुमने क्या खोया है पता है? एक बार इज्जत गई तो फिर लौट कर नहीं आती है। वैसे भी तुम पार्टी में अपनी पकड़ खो रहे हो, समझ रहे हो ना तुम? अगर तुमने अपने व्यवहार को नहीं सुधारा तो तुम्हारे ऊपर कार्यवाही करनी पड़ेगी, मैं इसलिए समझा रहा हूं। ठीक है, अब मैं चलता हूं। ठीक है। नमस्ते। इंजेक्शन लगा रही हूँ, जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। ठीक है, अब आपके ड्रीम गर्ल वाला रूट क्लियर। अबे नहीं, उस गणेश की मार खाकर मेरी तो हड्डी टूट गई है यार, इसके इलाज के लिए मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। इस बार ट्राई करूंगा तो वो मुझे ट्रेन या जीप के नीचे डाल देगा। नहीं रे बाबा नहीं,
जिंदा रहूंगा तो किसी ना किसी से शादी हो जाएगी, जिंदगी तो रहेगी, मर गया तो सोच कर ही डर लगता है। अब किसी ड्रीम गर्ल की जरूरत नहीं है, किसी और की भी नहीं, कुछ भी बोल। अच्छा ये बताओ कि वो मंत्री क्या कर रहा होगा? मारूंगा काटूंगा ऐसा कुछ कह रहा था। और क्या करेगा सर, एक इज्जत थी वो भी लुट गई है मार्केट में, कहीं मुंह दिखाने लायक रहे नहीं। अरे गणेश, आज तक मैंने जो भी मान सम्मान नाम कमाया था वो तेरे कारण सब खत्म हो गया, और तूने मेरी प्यारी बेटी को अपनी जाल में फंसा लिया। नहीं छोड़ूंगा तुझे, तुझे अच्छी तरह पता है कि मेरी बेटी मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है और तूने उसी को मुझसे दूर किया। अरे आए गणेश, अब मैं तेरी कहानी खत्म करूंगा। तेरे अपने ही लोगों के सामने मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। बचपन से मैंने उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला, मैं उसका बाप हूं, तूने उसे भूलने पर मजबूर किया। उसने सबके सामने मेरा अपमान किया, मेरे दिल को दुखाया उसने। आज तू उसकी नजर में हीरो है और मैं विलेन, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। एक दिन वो पापा पापा बोलते हुए मेरे पास जरूर आएगी। अब ठीक हो गया ना? एक मिनट मुझे दिखाइए। गुड गुड। मम्मी मम्मी यहाँ क्यों खड़ी है, अंदर आइए। कैसी है मम्मी, ठीक है ना? बेटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ मम्मी। अरे आप रो क्यों रही हैं? रो नहीं तो क्या करूँ बेटी, विदेश से पढ़कर आई मेरी बेटी, बिल्कुल राजकुमारी है तू, पर मेरी राजकुमारी को इस तरह देखकर क्या मुझे दुख नहीं होगा? मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है मम्मी, यहाँ सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, आपसे भी ज्यादा लाड प्यार करते हैं। बस करो, मेरी और तारीफ करके मुझे शर्मिंदा मत करो। नमस्ते माँ जी। नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं ठीक। कब आई आप? मैं बस अभी आई हूँ बेटा। तुम उम्र में मुझसे छोटे हो, फिर भी तुम्हारा पैर छूने का मन कर रहा है। ये सब कैसी बातें कर रही हो बहन? मैं सच कह रही हूँ, आप भाग्यशाली हो कि ये आपका बेटा है। वाकई में ऐसे बेटे को जन्म देना बहुत गर्व की बात है। आपका बेटा वाकई में बहुत संस्कारी है। उस दिन जब मेरी बेटी को मेरी नजरों के सामने उठा कर ले गया तो मैं बहुत डर गई थी। एक बेटी की माँ होने के नाते मैं इसे गलत समझ रही थी। मैं अपने पति के किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ बहन। तुम जिससे भी शादी करोगे वो लड़की भाग्यशाली होगी और तुम्हारे साथ जिंदगी भर खुश रहेगी। चलती हूँ बेटा। अगर आप चाहें तो अपनी बेटी को घर ले जा सकती हैं। आपकी बेटी ने हम सबकी बहुत सेवा की, हम हमेशा इनके आभारी रहेंगे। नहीं बेटा, अगर मेरी बेटी के यहाँ रहने से सभी लोग खुश हैं तो इसे यही रहने दो। मैं सबके भले के लिए कह रही हूँ।
मुझे जाना होगा बेटी, तुम्हारे पापा को बिना बताए आई हूँ। मैं ऑटो से चली जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं माँ जी, आप हमारी जीप में चलिए ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं, हमारा बेटा छोड़ कर आएगा। बाय मम्मी। माँ जी हाथ दिखाइए। अभी भी दर्द हो रहा है? ठीक हो जाएगा? हाँ अभी ठीक है। जो जहाँ पा रहा है वहीं पर रहे, नहीं तो पिस्टल से मैं तुम लोगों की जान ले लूंगा। ए, जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो। ये रहा हमारा विजिटिंग कार्ड, गणेश को दे देना। और मर्द है तो कहना हमारे पास आ जाए, इसे हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं। बोल देना उसे, बोल देना अगर वो नहीं आया तो इसे मार देंगे, समझे? ये लोग कौन है, अरे क्यों ले जा रहे हैं? बचाओ इसे, छोड़ो उसे। कौन है ये लोग, क्यों लेकर जा रहे हैं? चल गाड़ी में, कुछ तो करो, क्यों लेकर जा रहे हैं? चल चल छोड़ो। क्या हुआ यहाँ, आप लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? माँ बोलो ना क्या हुआ यहाँ? कुछ गुंडे आकर नमिता को उठा कर लेकर गए हैं। बताओ ना। वो लोग उसे जबरदस्ती उठा कर ले गए और ये विजिटिंग कार्ड देकर गए हैं। गणेश क्या है ये? आप लोग घबराइए मत, नमिता को साथ लेके आऊंगा मैं, अब उन्हें पता चलेगा कि कौन हूं मैं। चलता हूं। अभी तुम्हारा हीरो नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारा हीरो मैं हूं। मिस्टर मास्की बॉस, कंग्रेट्स। तुम्हारा तारीफ मैंने बहुत सुना है, फिर भी मेरा आंख से देखना चाहता हूं, इसलिए मैं एक शर्त रखा है। वो शर्त क्या है? तुम और मैं अगर इस टेबल के ऊपर रहकर फाइट करना है
अगर जो गिरेगा, एग्जाम्पल अगर मैं गिरा तो तुम्हारा डार्लिंग तुम्हारी हो जाएगा, और फिर भी जितना भी जायदाद है फिर भी तुम्हारा हो जाएगा। अगर तुम गिरा तो तुम्हारा डार्लिंग मेरा हो जाएगा, फिर भी तुम्हारे जितना भी जो मार्केट है ना वो सब मेरा हो जाएगा। ये तुम्हारा बास है, मैं बोल रहे। समझ गया क्या बास? तेरी हिम्मत के बारे में बहुत सुना है, मगर बॉस अब अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, इसीलिए एक टेस्ट रखा है। चुनौती ये है कि तुम और बॉस इस टेबल पर फाइट करोगे, और इस फाइट में दोनों में से जो भी गिरा वो हार गया समझो। अगर ये नीचे गिरे तो डार्लिंग तेरी हो जाएगी, और अगर तू नीचे गिरा तो ये डार्लिंग और ये मार्केट सब कुछ हमारा। ये शर्त मंजूर है ना? ए, तेरी शर्त मुझे मंजूर है, ये शर्त मैं ही जीतूंगा। आदि काल से लेके अभी तक जिसने भी लड़कियों को सामने रख के चुनौती दिया है वो हारा है, इसलिए तेरी हार पक्की है। वैसे भी तेरी ये शर्त मुझे पसंद आ गई है, चला जा, मैं तैयार हूं। पहले एक काम जरूरी है, पेपर के ऊपर साइन करना है। साइन करने से क्या हो जाएगा? अगर एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता हूं बे। कम ऑन।
सुन, जिस गणेश ने मेरा मान सम्मान सब कुछ बर्बाद कर दिया उसे पकड़ और उसके साथ उसकी पूरी गैंग को पकड़ कर तोड़। जब तक वो मार्केट छोड़ने को तैयार न हो जाए उन्हें भगा भगा कर बाहर, समझ गया ना तू? और उसके बाद अपनी प्रेमिका, अरे वही तेरी ड्रीम गर्ल, उसे ले जाकर ऐश कर। माफ करना सर, मेरी नौकरी रहे या जाए मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। मतलब अब तुझे मुझसे कुछ लेना देना नहीं? अबे ए बदसूरत चेहरे वाले, निकल यहां से। अब वो काम कैसे करना है मैं जानता हूं, चल निकल। ये कमीना भी साथ छोड़ गया। हेलो महारानी जी, क्यों अकेली बैठी हो, कुछ सोच रही हो क्या? लगता है किसी से प्यार हो गया है। अरे ये सब क्या बकवास कर रही हो? डॉक्टर साहिबा, लगता है आपको किसी से प्यार हुआ है। हाँ।
क्या पता वो खुशकिस्मत कौन है। बोल भी दो डॉक्टर मैडम। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हमें सब पता है। मॉर्निंग में बातों ही बातों में आपकी मम्मी ने सब बोल दिया। ओ, ये बात है। पता चल गया। वही है ना? क्या यार, तुम लोग भी मेरा मजाक बना रही हो। अरे कुछ नहीं। यहाँ तुम सोचती बैठी रहोगी तो वहाँ पर चारू रेडी है तुम्हारे हीरो को उड़ाकर ले जाने के लिए। तुम्हें इसी वक्त जाना चाहिए और जाकर अपनी दिल की बात बतानी चाहिए। जाओ। ए चारू, तुमने अपने दिल की बात गणेश को बताई? अगर तुम नहीं बताओगी तो उसे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे दिल में क्या है? डॉक्टर मैडम के दिल में भी कोई है ऐसा लगता है। कल तो उनकी माँ ने घुमा फिरा कर बोल ही दिया। तुम पहले जाकर पता करो, नहीं तो क्या होगा तुम्हें खुद भी नहीं पता। उनको तो मैं बहुत पसंद हूँ। वो डॉक्टर साहिबा को पसंद नहीं करते, वो उसकी इज्जत करते हैं। मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। चाची, रमैया, अरे आओ, माँ आओ ना, ए रमैया, सब लोग आओ, क्या हो रहा है, चलो, अरे आओ, आओ, माँ, क्या बात है गणेश, तुम सब लोगों के लिए एक खुशखबरी है, अब अपना दुख दूर होने वाला है, इतने दिनों का सपना अब सच होने जा रहा है। हमारे सीएम साहब ने हमारे किसान बाजार के लिए हम सबके नाम से पक्के कागजात बनवा दिए हैं। अब अपने दिन बदल गए। अब हमारे इंतजार का समय खत्म हुआ। अब किसान बाजार के लिए अपने घर के लिए वो कागजात हमें सीएम साहब देने वाले हैं, वो भी खुद यहाँ आकर के। एक बार कागजात हमारे हाथ आ गए तो हम लोग सीएम साहब के हाथों से ही अपने किसान बाजार का उद्घाटन करवाएंगे। क्यों भाई लोग, सही कहा ना? तुम सबके मरने का समय आ गया है। कहाँ है तेरा लीडर? आज उसके साथ साथ तुम सबकी कहानी खत्म। अभी मैं उसे फोन करता हूँ। हेलो हेलो, ए गणेश, अगर तू सीएम के पास जाकर अपने लोगों के लिए पेपर्स लेकर आएगा तो तुझे लग रहा होगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं क्या चुप बैठूंगा? तेरे सारे लोगों को पेड़ से बांध कर रखा है मैंने। अब या तो इन्हें आकर बचा या फिर मरने के लिए छोड़ दे, फैसला तेरे हाथ पे है। आ रहा हूं, वहीं आके देख लूंगा। डैडी, आज तक आपने जितने भी पाप किए हैं उसका फल मैं ही भुगत रही हूँ। अब भी वक्त है, सुधर जाइए।
गणेश के आने से पहले इन सबको छोड़ दीजिए। अगर गणेश यहाँ पर आ गया ना तो आपका खेल खत्म। ओए, आज मुझे लग रहा है कि मैंने तुझे पैदा क्यों किया। तू अपने बाप को सलाह दे रही है। ओए, तुम लोग भूल जाओ कि ये मेरी बेटी है, इसे भी बांध दो। अगर तू इन सब को बचाना चाहता है तो मार्केट का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे और इस पेपर पर तू साइन कर दे। उसके बाद तू इन सब को लेकर जा और किसी और जगह पर जाकर बस जा। hey, इस पेपर पे साइन करो। साइन करने के लिए नहीं आया, अपनी पावर दिखाने आया हूँ। मैं गरीबी में पैदा हुआ हूँ और गरीबी में ही बड़ा हुआ हूँ। जनता की सेवा करने के लिए मुझे जो ये जीवन मिला है वो जनता की सेवा करने के लिए मिला है, समझ गए? किसी के डर से दूसरी जगह जाने के लिए नहीं। अरे इधर देख, इसके जैसे बहुत लोगों को लेकर आया हूँ। इनसे तू बच नहीं पाएगा। आज ये लोग तुझे यहीं पर खत्म कर डालेंगे। ऐसे 100 लोगों को भी ले गया, मैं अकेला ही काफी हूँ। हजारों को ले गया, मैं अकेला ही काफी। लाखों को ले गया, फिर भी अकेला ही सब पे भारी पड़ूंगा। इस बात से पंगा लिया तो समझो खलास। Thank you.
आँख खोल के देख ले किसकी मौत किसके हाथों में है। क्यों अभी डर लग रहा है क्या? तू मुझे मारने आया था ना? हुँ? बोल तो अपनी उंगली दबा दूँ। गणेश रुक जाओ। नमस्ते सर। नमस्ते। कहीं लगी तो नहीं? गणेश शांत हो जाओ। गलत आदमी के साथ अच्छे आदमी को गलत नहीं होना चाहिए। सुनो, पिछली बार भी मैंने तुम्हें समझाया था लेकिन तुम फिर भी नहीं सुधरे, इसीलिए हाई कमांड ने तुम्हें पद से निकाल दिया और पार्टी से भी सस्पेंड कर दिया। तुमने जो गलत काम किए हैं उसके लिए सजा देने का आदेश दिया है। एसपी साहब, इन्हें गिरफ्तार कीजिए। घमंड में मैंने अपनी ताकत दिखाकर बहुत सारी गलतियाँ की हैं। मैंने अपनी जान से प्यारी बेटी के साथ भी कसाई जैसा व्यवहार किया, इसीलिए भगवान ने आज मुझे ये सजा दे दी। मेरे पास जितनी भी दौलत है वो सारी की सारी दौलत तुम्हें और तुम्हारे मार्केट के नाम लिख देता हूँ। मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करता हूँ गणेश। आज मैं इसका हाथ तुम्हारे हाथों में रख रहा हूँ, इसका ख्याल रखना बेटा। नायडू, वेरी गुड, अच्छा काम किया। कागजात लेकर आइए। थैंक यू सर। थैंक यू, आपका बहुत एहसान है हम पे। सीएम जिंदाबाद, सीएम जिंदाबाद, सीएम जिंदाबाद, सीएम जिंदाबाद, सीएम जिंदाबाद, सीएम जिंदाबाद, गणेश, तुम्हारे जैसे इंसान की मार्केट को ही नहीं बल्कि पूरे राज्य को जरूरत है। तुम्हें हमारी पार्टी हमेशा मदद करेगी। आ गया मैं, आ गया दुनिया पे छा गया, मैं निकल गया जहाँ वहीं पे रंग जम गया हो। प्यार सबका मिल गया, दिल का फूल खिल गया, मैंने खेल।